हुगली लोकसभा केंद्र में पांचवें चरण के चुनाव के दौरान हुगली की भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के कार पर हमले की घटना घटी। यह घटना हुगली के धनियाखाली विधानसभा क्षेत्र में घटी। इस घटना के विरोध में लॉकेट चटर्जी हुगली के जिला शासक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठी। वहां उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा और धनियाखाली में दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। আমি বিএম ভেঙেছি, আমি তো ওই সময় আওয়াজ পেয়েছি, আমি তখন ওনার সাথেই কথা বলছিলাম। ওখানে মানুষ ভোট দিতে পারেনি বলে মানুষই হয়তো ভেঙেছে ওখানে, আর নিজেরা ওইসব ভেঙে নাটক করার চেষ্টা করছে।